मार्कोनिकॉफ रूल, ये जो रूल है ये एल्कीन्स में आपके एडिशन रिएक्शंस जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस उसके बारे में है। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो जो आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें आप क्लोरीन ऐड करते हैं, तो क्लोरीन आप एक किसी भी एटम पर अटैच कर सकते हैं। तो आपको किसी रूल की जरूरत नहीं। अब जैसे प्रोपीलीन है, इसके साथ आपने क्लोरीन का अटैचमेंट करना है, तो आपका जो है इस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको जो है इस पर भी HCl अटैच करना है, किसी पर भी H कर लें, किसी पर भी CL कर लें। तो इन तीनों केसेस में आप देख रहे थे कि ये जो पहले वाला एग्जांपल था इसमें हमारे पास जो थी सिमेट्रिकल एल्कीन थी और सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, और सिमेट्रिकल ही आपका अटैकिंग रिएजेंट था। यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन थी और आपका सिमेट्रिकल अटैकिंग रिएजेंट था। यहां पर आपका सिमेट्रिकल एल्कीन थी, अनसिमेट्रिकल अटैकिंग रिएजेंट। तो आपको जो है केमिकल रिएक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि ये दोनों ही अनसिमेट्रिकल हो, जैसे प्रोपीन की हम HCl से रिएक्शन कराएं, तो आपके क्या प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना? जैसे इसके साथ आपने HCl लिया, तो ये आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इसके साथ ही आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो इनका एडिशन किस तरीके से हुआ? तो इनके एडिशन में हमने पाया कि आपका जो है दो आपके प्रोडक्ट बने, एक आपका ये बना और दूसरा आपका ये बना। दिस वन इज टू क्लोरोप्रोपेन, दिस वन इज वन क्लोरोप्रोपेन। टू क्लोरोप्रोपेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बना और ये जो है आपका माइनर प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो इसके बारे में मार्कोनिकॉफ ने एक रूल दिया था कि इस तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में तो आपका जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स का एडिशन है, इसके बारे में मार्कोनिकॉफ ने रूल दिया कि जो अटैकिंग रीजन का पॉजिटिव पार्ट है दैट गोज ऑन दैट पोजीशन वेयर हाइड्रोजन एटम्स आर मोर, जहां पर हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है वहां पर पॉजिटिव पार्ट ज्यादा। जैसे HCl है तो HCl में आपका पॉजिटिव पार्ट H होगा और ये नेगेटिव पार्ट होगा, तो पॉजिटिव पार्ट आपका उस तरफ जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम कम है। तो आपका जो है यहां पर रिचर बिकम रिचर, ठीक है, आपका जो रिचर है वो ज्यादा रिचर होता जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ ने ओरिजिनली आपका एल्कीन्स एल्काइन्स के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के केस में ये रूल दिया था। ये रूल अपनी लिमिटेशंस है इसकी भी, इसकी लिमिटेशंस क्यों है उसके लिए हमारे को इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी कि भाई कहां ये वॉयलेट हो जा रहा है, क्यों वॉयलेट हो जा रहा है और यही मेजर प्रोडक्ट क्यों बना, यही क्यों माइनर प्रोडक्ट बना, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे।
आपका जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो कुछ ही कंडीशन में फॉलो होता है. फर्स्ट, एल्कीन शुड बी अनसिमेट्रिकल. यदि आपकी एल्कीन आपकी सिमेट्रिकल नहीं है तो आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो मतलब कराने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी यदि सिमेट्रिकल है तो एल्कीन अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए. सेकेंड ये है, सब्स्टिट्यूएंट जो उस पर अटैच हो प्लस आई ग्रुप हो, जैसे प्रोपीन था अभी एग्जाम्पल हमारा, इसके साथ हम HCl की रिएक्शन कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो अप होगा. लेकिन यदि इसी कंपाउंड की मान लो हम यहां पर NO2 ग्रुप ले लें प्लस HCl, तो इस कंडीशन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, इस कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि NO2 जो है इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा. और आपकी दोनों ही पोजिशन पर यदि फिनाइल ग्रुप आ रहा है तो आपका ठीक है, यदि फिनाइल ग्रुप नहीं आ रहा है तो यदि एक भी पोजीशन पर तो आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा. जैसे ये जो कंपाउंड है इसमें दोनों पोजीशन पर फिनाइल रिंग आ रहा है तो एरोमेटिक रेजोनेंस का जो इफेक्ट है दोनों साइड सेम है, तो आपका जो मिथाइल वाला ग्रुप है ये कार्बोकैटायन को मोर स्टेबल बना देगा विद प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपरकंजुगेशन. लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही फिनाइल रिंग आ रहा है तो रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा जिसकी वजह से यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा. तो हमारे को ये तीन कंडीशंस फॉलो करेंगे तभी आपका ओल्ड मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा वरना नहीं होगा. ठीक है, तो इन बातों को पॉइंट्स में ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्ट बनाना है और इसकी मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे. इसकी मैकेनिज्म में आपका कार्बोकैटायन बनता है और उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पर ही हम प्रोडक्ट्स को बताते हैं. और आपका जो मार्कोनिकॉफ रूल है, जैसे आपका 1-chloropropane और 2-chloropropane बने तो एक ही टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में. तो इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिजियो सेलेक्टिव. ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल में आपका जो है एक रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है कि बनते हैं. जैसे आपकी तीन केमिकल रिएक्शंस हैं, इनमें हमारे को मेन प्रोडक्ट बताने की भी क्या है. ये तीनों ही ऐसे एग्जांपल हैं जो मार्कोनिकॉफ रूल की कंडीशंस को फॉलो करते हैं. तो इसमें हमारे को देखना है कि भाई मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट कौन सा, नेगेटिव पार्ट कौन सा. OH जो है ये नेगेटिव पार्ट है, CN यहां पर पॉजिटिव पार्ट है. H आपका पॉजिटिव है, Br आपका नेगेटिव है. H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है. तो आपका जो यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो आपका ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH और बॉन्ड OH बॉन्ड CH2C, ये आपका यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा. और इसका हम उल्टा कर दें तो वो आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर जो इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 बॉन्ड C बॉन्ड Br C6H5 बॉन्ड CH3. ठीक है, अब जो है आपका इसमें भी CH3 C CH3 बॉन्ड का Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये तीनों ही आपके मेजर प्रोडक्ट्स इन रिएक्शंस में बनेंगे. किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे को उसकी मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी के बेसिस पर हम लोग समझ पाएंगे कि भाई जो रूल्स वायलेट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस कंडीशंस में कर रहे हैं और आगे क्या उसमें सही रूल हो सकता है. तो जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में प्रोपीन की मैकेनिज्म देखें, या तो प्रोपीन था इसके पास HIN आता है, तो इसमें आपकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. एक तो ये होती है कि भाई जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ये ले ले, ठीक है, और H पॉजिटिव यहां अटैक कर जाए. दूसरा बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन यहां ये ले ले और आपका ये मेन प्रोडक्ट बन जाए.
ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, तो इनमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो हम देखते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और इसकी स्टेबिलिटी लेस होती है। और आयन के केस में जो आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी, जैसे ये आपकी केमिकल रिएक्शन है तो इसमें हमारे को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, तो इसमें आपके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, तो आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। तो इसमें दो कार्बोकेटायन पॉसिबल है आपके, C6H5 CH पॉजिटिव बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 प्लस ये वाला कार्बोकेटायन पॉसिबल है, तो इन दोनों कार्बोकेटायन में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो इस इन दोनों कार्बोकेटायन में से आपकी स्टेबिलिटी फर्स्ट इस कार्बोकेटायन की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है एरोमेटिक सिटी काम करती है, रेजोनेंस काम करती है, और यहां पर सिर्फ ये टर्शियरी है। और हमेशा ध्यान रखिए कि एरोमेटिक कैरेक्टर एंड रेजोनेंस जो होती है वो मोर आपका इफेक्ट करती है आई ग्रुप के मुकाबले, तो ये आपका मोर स्टेबल है, दिस इज लेस स्टेबल, ठीक है। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा फिर इसका बनेगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट। जैसे आपकी ये केमिकल रिएक्शन है, आप जानते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल में जो है आपका कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन में आपको रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना है। कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट की पॉसिबल में आपका 1-2 मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल है या 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, ठीक है, जो आप कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट से अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जब इसमें आप देखें तो आपका कार्बोकेटायन मोर स्टेबल 1 ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH पॉजिटिव बॉन्ड CH3। तो इस कार्बोकेटायन में आपका रीअरेंजमेंट होगा, ये आपका यहां पर शिफ्ट कर जाता है और ये कार्बोकेटायन बनता है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है, तो इसकी स्टेबिलिटी मोर होती है और इसकी स्टेबिलिटी लेस होती है। तो कार्बोकेटायन में आपका रीअरेंजमेंट हमेशा ही पॉसिबल रहता है। और ये जो है आगे फिर क्लोराइड से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट देता है जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये जो है आपका आगे कंबाइन करके सीएल नेगेटिव से जो प्रोडक्ट देता है वो आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। ये आपका जो है माइनर प्रोडक्ट बनता है इस केमिकल रिएक्शन में। ये जो क्वेश्चन था आपका आईआईटी में आया था 1998 में कि रिएक्शन ऑफ
दिस वन कंपाउंड विद एच बी आर क्या बनेगा. तो इसमें यदि आप देखें कि आपका जो ये सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ एच ए प्लस एच बी आर, तो ये जो इसका रेजोनेंस इफेक्ट है ये यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा. ठीक है, तो आपका जो है ये जब ज्यादा स्टेबल होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर शिफ्ट करेगा. यदि आपका इसका उल्टा होता तो ये कार्बोकेटाइन यहां पर बनता वो लेस स्टेबल होता, तो आपका एच आयंस की प्रेजेंस में ये कंपाउंड बनेगा. फिर आगे इससे ब्रोमाइड आपका रिएक्ट करेगा ठीक, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा. आपका ये क्वेश्चन आईआईटी 2006 में आया था कि इन्होंने केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा. तो इसमें आपका NO जो है वो नेगेटिव पार्ट है और Cl पॉजिटिव पार्ट है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो आपका जब एडिशन होगा तो नेगेटिव पार्ट आपका मार्कोनिकॉफ रूल से आपका वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम कम होंगे और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम आपके ज्यादा होंगे. ठीक है, तो इसका आपका प्रोडक्ट ये बनेगा. तो ऑर्गेनिक में बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन.